मेरे काबिल दोस्त कांग्रेस वाले प्रवक्ता हमें ज्ञान दे रहे हैं, भैया सत्ता की लालसा हमें नहीं, सत्ता की लालसा आपको है, इसलिए तो पटना के अंदर भी इकट्ठे हो गए, मुंबई के अंदर इकट्ठे, बैंगलोर के अंदर इकट्ठे हो गए, अब बंबई के अंदर इकट्ठे होने के लिए जा रहे हो। आप लोग जो भ्रष्टाचारियों का जो एक दल है, जो अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने के लिए एक मंच पर आना चाहता है, आप लोगों के दिल तो मिल नहीं रहे, लेकिन क्या करें, कोयले की दलाली में सबके हाथ खा ले, एक दूसरे को बचाना तो है, उस बचाने के लिए लोग एक दूसरे के साथ। यही आरोप तो आप पे भी लग रहे हैं ना कि एनडीए का साथ आप लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप लोग भी डरे हुए हैं। हम कहां डरे हुए हैं, हम कहां डरे हुए, प्रिया जी बताइए जरा किस एंगल से डरे हुए, क्या ईडी हमारे ऊपर जांच कर रही है, क्या सीबीआई जांच कर रही है, इनकम टैक्स हमारे ऊपर आ रहा है। यही तो कह रहा ऑपोजिशन का कि इन जांचों से बचने के लिए आप लोग एनडीए के साथ हो गए। अपोजिशन के पास कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये सारे घोटालेबाज हैं और इन्होंने घोटाला किया है इसलिए इनके ऊपर जांच हो रही है, और ये थोपड़ा अगर किसी और के ऊपर एक ठीकरा फोड़ देते हैं, अगर हम डरे हुए रहते, हमने कुछ गलत किया है तो हम डरे हुए रहते ना, हम लोग ना कुछ गलत करने वाले न डरने वाले। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए के सारे घटक दल मिलकर प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 80 की 80 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस की हस्ती क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें, विधायकों के लिहाज से अगर देखें, उनकी हैसियत क्या है, उनसे बड़े दल हम हैं, भले वो राष्ट्रीय पार्टी बनने का अपने आपको दम्भ भरती है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, एक सीट बची हुई है 2024 के अंदर, देखिए वो भी नहीं बचने वाली, इसके पहले वायनाड तो भेज दिया हमने राहुल गांधी जी को, आने वाले समय के अंदर देखिए कांग्रेस की हालत क्या होने वाली। और समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी तो पहले अपनी आपसी कलह से बच जाए, अभी कुछ दिन पहले 3 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, बगावत कर दी, आने वाले समय के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर एक भगदड़ मचने वाली है, बहुत बड़ी भगदड़ मचने वाली है, ऐसे ऐसे नेता समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय बोलने वाले जिसकी प्रिया जी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि पीडीए की बात करते हैं, पिछड़े चाहिए इनको, दलित चाहिए इनको, अल्पसंख्यक चाहिए, सामान्य वर्ग कहां जाएगा, यानी सामान्य वर्ग सिर्फ समाजवादी पार्टी के अंदर आपकी गुलामी करने के लिए बैठा हुआ है, समाजवादी पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है वो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, समय का इंतजार कर रहा है, और जो समाजवादी पार्टी पिछड़ों की बात करती है, दलितों की बात करती है, सबसे ज्यादा ठगने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता के अंदर रही है, इन्होंने दलितों का वोट लिया है, पिछड़ों का वोट लिया है, लेकिन जब इनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती है, जब इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि शिवपाल यादव के साथ अन्याय हुआ है, कभी उनके दर्द को नहीं समझा अखिलेश यादव ने, कभी उनका सम्मान नहीं किया है, इसको किस संदर्भ में लिया जाए, बातचीत चल रही है क्या शिवपाल यादव से, नाराज है अभी भी शिवपाल यादव? देखिए प्रिया जी, उनसे क्या बातचीत चल रही होगी, योगी जी बेहतर बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप लोग भी सहयोगी हैं, खबर आप तक भी होगी सर। अरे बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ प्रिया जी, लेकिन वो इंटरनल मामला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछिए। देखिए मुझे याद है कि आप ही के साथ कुछ वक्त पहले की ही बात है, डिबेट हो रही थी, और उस वक्त जब बड़ी जोर शोर से खबरें थी कि आप लोग बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा होंगे, तब भी मुझे अच्छे से याद है, मेरे ख्याल से आपको भी याद होगा, आपने डिनाई किया था और अगले ही दिन यह खबर सामने आ गई थी, और तब जब मैंने डिबेट शुरू की थी तो परिचय आपका दिया था एनडीए सहयोगी। प्रिया जी, मैंने तब भी बोला था कि हमारी पहली प्राथमिकता उस समय विपक्ष थी, हमने इस बात को डिनाई नहीं किया, लेकिन यह हमारा भारतवर्ष जिस समय गठबंधन के दौर की राजनीति से गुजर रहा है, आप ये मुझे बताइए कि जिस विपक्ष की बात हम लोग कर रहे थे तब भी बोल रहा था मैं, उस स्टैंड पर भी कहा, मैं अपनी बात से पलट नहीं रहा हूं, लेकिन क्या इन्होंने पटना की बैठक में विपक्ष के हिसाब से हमको बुलाना जरूरी समझा, ये बैंगलोर के अंदर जब बैठक बुलाई इन्होंने क्या हमको जरूरी समझा बुलाना, हम आज उत्तर प्रदेश जी उत्तराखंड के ऊपर बैठे, यानी उत्तर प्रदेश के मुद्दों की बात कर रहे हैं आप। प्रिया जी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस से बड़ी पार्टी हम लोग नहीं है, क्या ये लोग हमको बुलाना जरूरी समझते हैं, जबकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और उसकी शुरुआत पूर्वांचल से होती है, और पूर्वांचल के अंदर स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी लाठी लेकर बैठी हुई, और बिना स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी को साधे ये विपक्ष साथ में ले सकता था, ठीक है सर। हमको एनडीए ने हमारी बातों को समझा, हमारे मुद्दों पर सहमति जताई और हम एनडीए से शामिल हो गए, और कुलभूषण त्रिपाठी, ठीक है सर, मैं जवाब भी ले लेती हूँ। सुना आपने सुभाष यादव जी की बातों को, वो कह रहे हैं कि हैं आप राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट है आपकी, और आज जो स्थिति है, चाहे विधानसभा में भी जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस पार्टी का, उससे कहीं ज्यादा ऊपर है सुहेलदेव पार्टी। प्रिया जी, सुभाष यादव जी पर मुझे तरस आता है, इनकी तो मजबूरी है, ये कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, क्योंकि इनके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्हें खुद नहीं पता कि कल वो कहां होंगे, किस गठबंधन में होंगे, किसकी सर, ये बात तो मुझे लगता है आजकल किसी भी राजनीतिक पार्टी के जुबान से फिट नहीं बैठती है। आप लोग भी कभी थे समाजवादी पार्टी के साथ में, साथ मिलकर के चुनाव आप लोग लड़े और फिर रास्ते दोनों के अलग हो गए, आजकल तो ये बड़ा आम हो गया सर हमारे लिए।
कभी भी किसी का किसी भी पार्टी में चले जाना या किसी के साथ गठबंधन कर लेना या फिर उससे गठबंधन तोड़ के किसी और के साथ सवार हो जाना। नहीं, ये तो मानो ट्रेंड चल गया है, राजनीति का एक नया अध्याय है जिसे कहते हैं ना न्यू नॉर्मल, वो हो चुका है अब ये। बिल्कुल न्यू नॉर्मल आपके नजरिए से हो चुका होगा, लेकिन कुछ दिन पहले तक राजभर साहब जो बातें मोदी जी के लिए कहते थे, योगी जी के लिए कहते थे, आपके टेलीविजन ने भी दिखाई, और इसमें कहीं कोई छुपा हुआ नहीं कि भ्रष्टाचारी वो पहले उन्हें कहते रहे, आज उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये आज पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। जिन चाल चरित्र चेहरे की बात करते हुए ये सत्ता में आए थे आज वही पूरी तरह से बेनकाब है। आज युवाओं की आप रुदन को देखिए, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी से बुरी तरह से करा रहा है। संसद में अभी भी जवाब में बताया है कि यूपीएससी में कितनी भर्तियां कम कर दी, एसएससी की भर्तियों का क्या हाल है। योगी आदित्यनाथ ने 2022 के चुनाव से पहले कहा था 100 दिन के अंदर अध्यापक भर्ती आ जाएगी, तब से वो इस बात को भूल गए हैं। इस समय महंगाई किस हाल में है, सावन के महीने में रसोई का हाल क्या है, आदमी खाना नहीं खा पा रहा है, क्या यही अच्छे दिन चाहिए थे आज, यही 15 लाख। ये तो जनता तय कर लेगी चुनाव के बाद कि उसे क्या चाहिए, और जो सरकार का अभी इस वक्त केंद्र में 9 साल का लेखा जोखा भी सामने रखा गया है संसद के भीतर, उससे कितनी खुश है। तारिक खान, आपका जवाब चाहूंगी मैं, क्योंकि लगातार देखिए आप समाजवादी पार्टी को लेकर के भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब आप लोग यहां पर थे, खास करके उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूंगी, तो उस वक्त कैसी स्थिति थी। 10 कमियां आपने गिनवाई है, 10 खामियां उनकी उन्होंने भी आपकी गिनवा दी है सर, लेकिन क्या इससे ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ जनता हित में बातें नहीं हो सकती हैं, बजाय इसके कि उन्होंने क्या किया और वो गिनवा दें कि आपने क्या किया है। मैम, एक बड़ा मूलभूत सवाल यहां पर बनता है, क्या जनता ने करोड़ों वोट मैंडेट इसलिए दिया था कि आप परमानेंट 2012 से लेकर 17 की बात करते रहे, और जनता देख रही है, क्योंकि मैंडेट आपको इसलिए नहीं दिया था कि आप हर बात में, जब आज मैंने अभी जो उदाहरण दिया लैंड की बात में, पहले चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि 12 से 17 के बीच में ये आंकड़ा था। अरे भाई, अभी मैंडेट दिया आपको, हमको विपक्ष का मैंडेट दिया है और हमसे कहा है कि आपसे सवाल पूछो, आपकी मॉनिटरिंग करो, तो हम जब मॉनिटरिंग करते हैं तो आप उस कार्यकाल में चले जाते हैं। अरे भाई, सत्ता पक्ष का मतलब क्या है, क्या हमें 5 दिन के लिए सरकार चलाने के लिए देंगे क्या 365 दिन में, तो हम चला के दिखा दें हम क्या कर सकते हैं। वो तो जनता तय करेगी सर, जनता अगर देना चाहेगी तो आपको मिल जाएगा के प्रति 365 दिन के 5 साल के लिए आपको मिल जाएगा, कि वो उसको जिम्मेदारी से जवाब दे उसका। जी, क्या आपका क्या सवाल है मैम? वो तो जनता तय करेगी, जनता जिसको चुनेगी वो 365 दिन, क्या वो 5 साल के लिए आपको चुन के लाएगी ना मैम? 110 विधायक चुन के सदन में भेजे नहीं क्या, जनता ने नहीं भेजे क्या, क्या बिहार की जनता ने भेजे थे क्या, क्या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का रोल डेमोक्रेसी से खत्म करवाना चाहते हैं क्या आप लोग? विपक्ष का मतलब होता है चेक ऑन डेमोक्रेसी। चेक ऑन डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि विपक्ष जब तक मौजूद है, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से विपक्ष, उन्होंने नेहरू जी का भी टाइम देखा है, ये दिक्कत भी है। जिस राज्य में किसी और पार्टी की सरकार है वहां डेमोक्रेसी बिल्कुल सही है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां आप डेमोक्रेसी को लेकर के सवाल उठा देते हैं कि अरे भैया यहां तो लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। राज्य में जो राजीव रंजन, सर मेरे पास वक्त इतना ही था, राजीव रंजन एक आपकी कॉमेंट सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, ये दोहरा रवैया थोड़ी ना चलेगा। जिस राज्य में किसी अन्य पार्टी की सरकार है वहां पे सब सही है, वहां से भी ऐसी खबरें आती हैं, घटनाएं सामने आती हैं, वो भी हम दिखाते हैं, उस पे तब तो नहीं कहा जाता है उस वक्त। क्यों मणिपुर के बारे में हम राजीव रंजन क्या, एक सेकेंड राजीव रंजन में भी बता दीजिए, वहां तो इन्हीं की सरकार है। बंगाल याद नहीं है क्या, बंगाल में शामिल हो गए तो भूल गए। जिस राज्य में जो पार्टी रूलिंग पार्टी है जो उसके विपक्ष में है तो उसी राज्य के संदर्भ में बात होती है, विपक्ष की अपनी भूमिका है, सरकार की अपनी भूमिका। यूपी के इस वक्त राजनीतिक दिशा किस ओर जाती दिखाई दे रही है, कैसे देख रहे हैं आप राजीव रंजन जी? इंडिया की सरकार बनने जा रही है। नहीं देखिए, राजनीति तो 2024 की तरफ जाती दिखाई दे रही है। दोनों खेमे अपनी अपनी खेमे बंदी कर रहे हैं और अपने अपनी बातों से, अपने अपने एजेंडे से आम जनता को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन 2024 के लिहाज से एनडीए का पड़ा उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है और बहुत कठिन संघर्ष। कुलभूषण त्रिपाठी भी आश्वस्त है इस चीज को लेके कि INDIA की सरकार बनने जा रही है, देखते हैं कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। खैर, उत्तर प्रदेश